हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड के 10 सबसे मशहूर झरनों के बारे में। चलिए हम लोग आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सभी के सभी यहाँ पे झरना, सभी के सभी वाटरफॉल जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ऑल ओवर रांची, झारखंड के जितने भी ज़िले हैं, सभी जो भी मशहूर झरना है उन सभी झरनों को मैं बताऊँगा, यहाँ पर डिस्कस करूँगा उसके बारे में। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर ले, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन आते रहे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें से सबसे पहला हमारा फॉल जो है वो दशम फॉल है। दशम फॉल बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगर मैं खुद की ओपिनियन को साझा करूँ तो ये रांची में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ऑल ओवर झारखंड में भी फेमस है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ड्रोन व्यू से, कितना सारा पानी गिरते हुए यहाँ पे बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है हम लोग को। सबसे खूबसूरत झरनों में से एक है रांची में। अगर हम लोग बात करें इसकी डिस्टेंस की तो लगभग रांची से ये 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। साथ ही साथ इसकी कुल ऊंचाई जो है वो 44 मीटर है, मात्र 44 मीटर है, लेकिन देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और यहाँ पे कई लोग आकर के पिकनिक भी करते हैं, आनंद उठाते हैं, काफ़ी शांति माहौल रहता है यहाँ पे। आप लोग भी आ सकते हैं। अभी जो है अभी का मौसम में आप लोग घूम सकते हैं यहाँ पे। जून जुलाई के मौसम में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शानदार व्यू देखने को मिलता है हम लोगों को, तो आप लोग ज़रूर से विजिट कीजिए यहाँ पे। अब हम लोग आगे बात करते हैं हमारा अगला झरना जो कि निकल कर आता है यहाँ पे। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मोती झरना के बारे में। मोती झरना बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगर मैं बात करूँ इसकी डिस्टेंस की तो रांची से लगभग 450 किलोमीटर है, लेकिन साहिबगंज ज़िले से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये जो है तालझारी प्रखंड में स्थित है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये झारखंड के संथाल परगना की शान है। साथ ही साथ ये झारखंड को एक उभरता हुआ प्रकृति का रूप धारण करता है। साथ ही साथ मैं अगर बात करूँ तो इसकी जो ऊंचाई है लगभग 44 मीटर है, और ये जो है ऑल ओवर पूरे झारखंड में भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगर मैं बात करूँ इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना के मतलब एक प्रॉपर सा वीडियो मैं बनाया हुआ पहले, पूरा ब्लॉग जो है आप लोग देख सकते हैं, मेरे पूरे वीडियो में प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं। एक कंप्लीट वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा वहाँ पे, तो आप लोग ज़रूर से विजिट कीजिए, उस वाले वीडियो को देखें। पूरा प्रॉपर ब्लॉग आप लोगों को देखने को मिलेगा वहाँ पे। जनवरी के महीने में हम लोग गए हुए थे। अब हम लोग बात करते हैं हमारे अगले फॉल के बारे में। दोस्तों ये है हुंडरू फॉल। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं हुंडरू फॉल बहुत ही ज़्यादा फेमस है, पूरे रांची भर में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और ये सेकंड हाईएस्ट फॉल आप लोग बोल सकते हैं पूरे झारखंड में है। साथ ही साथ ये भारत में जो है इसका 34वां रैंक आता है, तो आप लोग समझ सकते हैं कितना बड़ा है। अगर मैं इसके ऊंचाई की बात करूं तो लगभग 98 मीटर की ऊंचाई है इसकी, और अगर मैं बात करूँ इसके डिस्टेंस की तो लगभग रांची से जो है 45 किलोमीटर की दूरी रहती है। ऑल ओवर हुंडरू फॉल जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ जो है देखी जाती है प्रत्येक फेस्टिवल में। कोई भी फेस्टिवल रहे यहाँ पे लोग जाना पसंद करते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे प्रत्येक संडे को, कोई भी हॉलीडे रहे यहाँ पे लोग जो है घूमना पसंद करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और अभी के मौसम में अगर मैं बात करूँ जुलाई अगस्त जून के महीनों में यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ देखी जाती है, क्योंकि जो फॉल का जो आनंद है वो जो व्यू है वो इसी टाइम पर देखने को मिलता है हम लोग को। अब हम लोग बात करते हैं हमारे अगले फॉल के बारे में। दोस्तों ये है भटिंडा फॉल, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, और ये धनबाद शहर में स्थित है। करीब रांची रेलवे स्टेशन से 15 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है, और यहाँ पे दावा किया जाता है कि बड़े बड़े चट्टान हैं। साथ ही साथ यहाँ पे तीन तीन कुआं होने का भी दावा किया जाता है, और ये बहुत ही खतरनाक फॉलों में से एक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गहराई रहता है यहाँ पे इस फॉल में। ऑल ओवर ये झारखंड का एकमात्र ऐसा फॉल है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, कई सारे लोग यहाँ पे जाना पसंद करते हैं। और अभी के मौसम में बहुत ही सुंदर सा वेदर यहाँ पे देखने को मिलता है, बहुत ही सुंदर सा व्यू अभी देखने को मिलेंगे आप लोगों को अगर आप लोग इस मंथ घूमने के लिए जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हमारे अगले फॉल के बारे में, जो कि है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सीता फॉल। सीता फॉल भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और ये जो आप लोग देख पा रहे हैं पहाड़ से पानी गिरते हुए बहुत ही ज़्यादा फेमस नज़र आता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ जो है वो पिकनिक के समय में होती है कहीं ना कहीं यहाँ पे, ये इस फॉल की सबसे बड़ी बात है। दोस्तों ये है जौना फॉल, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बहुत ही सुंदर नज़ारा रहता है यहाँ पर भी, कई सारे लोग यहाँ पर भी घूमने के लिए आते हैं। अगर मैं बात करूँ इसकी ऊंचाई की तो लगभग 43 मीटर की ऊंचाई रहती है यहाँ पे इस फॉल की। साथ ही साथ यहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा आना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जौना फॉल जो है सबसे सुरक्षित जलप्रपातों में से एक माना जाता है। रांची के ज़्यादातर लोग जो है यहाँ पर आकर के पिकनिक करना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो जनवरी फरवरी का जो मंथ रहता है तब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखी जाती है, तो इसी कारण यहाँ पे लोग जो है सबसे ज़्यादा आकर के पिकनिक करते हैं। ऑल ओवर ये रांची में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, कई लोग यहाँ पर भी घूमने के लिए जाते हैं।
अब हम लोग बात करते हैं हमारे अगले फॉल के बारे में। दोस्तों ये है हिरनी फॉल, ये भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगर मैं बात करूँ, ये पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है मात्र 37 मीटर है, तो कहीं ना कहीं ये भी फेमस है। पश्चिमी सिंहभूम के लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं, कई लोग यहाँ पर आकर के पिकनिक भी करना पसंद करते हैं। दोस्तों ये है पंचघाट फॉल, ये भी रांची में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ऑल ओवर ये है आज का वीडियो, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इंस्टा में भी फॉलो कर सकते हैं।